नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह की, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th ऑफ अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की PDF आप लोगों को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन के PDF को भी आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी आपको यहाँ पर कोई भी वीडियो हम अपडेट करेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव वीडियो, कोई भी इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग यहाँ पर डालेंगे, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन और PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के थ्रू अवेल कर सकते हैं आप लोग बहुत इजीली, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको जितने भी नए कोर्सेज दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टार्ट होंगे, जैसे आपको पता है कि IBPS PO का एग्जाम आने वाला है, RRB का एग्जाम अभी हुआ है, अभी रिसेंटली दोस्तों 10 तारीख को आपका SSC CPO का भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो गया है। अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो पूरी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, वहां पर आप लोग जान सकते हो कब से रजिस्ट्रेशन है, कब से कौन सी चीज चालू हो रही है, कब तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, कब इसका एग्जाम होगा, तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्टिव वे में वीडियो पर मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट पर जाकर दोस्तों इसके जब कोर्सेज लॉन्च होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन तो उनकी डेट्स पता कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उन कोर्सेज के लिए एनरोल करवा सकते हो ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर हो जाए दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल जो ऐप है वो भी बहुत इजीली प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, GK कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप एंड द बेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टडी एनी टाइम एनी वेयर विद अविशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये था दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए फिर सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। रिसेंटली विद विच कंपनी गवर्नमेंट विल वर्क टूगेदर ऑन अ प्रोग्राम टू टीच इट्स डिजिटल टूल किट फॉर ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन यहाँ पर किया है कि बेसिकली वो क्या कर सके, डिजिटल टूल किट की हेल्प से, सुनिएगा मेरी बात, डिजिटल टूल किट की हेल्प से दोस्तों 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स को स्किल डेवलप कर पाए उनका इस चीज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोग के पास गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, डेलॉइट, करेक्ट विल बी योर माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, हम पूरी बात इसके बारे में दोस्तों करेंगे बहुत अच्छे तरीके से ताकि हम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड गवर्नमेंट इंटेंड टू ट्रेन कंप्यूटर स्किल्स टू सिविल सर्वेंट्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर स्किल जो है वो दोस्तों कौन सी टाइप की स्किल्स होगी, जो कंप्यूटर स्किल्स होती है, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड इंडियन गवर्नमेंट विल वर्क टूगेदर ऑन अ प्रोग्राम टू टीच इट्स डिजिटल टूल किट टू ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कोलैबोरेशन में आ रहा है, और इसका मेन एम क्या है कि वो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर आप मान लो 2.5 मिलियन सिविल सर्वेंट्स को क्या कर सके दोस्तों, कंप्यूटर स्किल प्रोवाइड कर सके, उनको ट्रेनिंग दे सके, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड टेक जॉइंट आर वर्किंग टुगेदर टू सपोर्ट द सिविल सर्वेंट्स इन द एफर्ट्स टू असेट द लेस फॉर्चुनेट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, जैसे आपको पता है दोस्तों कोरोना के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन हो गई और लोगों ने उस ऑनलाइन रिचुअल को अडॉप्ट कर लिया,
अब जैसे मैं बात कर लूँ आपके एडुकेशन प्लेटफॉर्म की, दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी क्वेरीज आती है कि भाई हम तो ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, हम तो घर बैठे ही पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया इसका सदुपयोग है, वक्त का सदुपयोग है। क्योंकि आप देखो जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से बहुत दूर रह रहे हैं, मान लो 4-5-10 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उनके आने आने में एक एक दो दो तीन तीन घंटे खराब हो जाते हैं, उससे बेटर टीचर वही है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पीसी है, जो भी है, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो और एकदम ऐसा लगता है फेस टू फेस ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जितना क्वेरी आप पूछना चाहो आप टीचर से पूछ सकते हो, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आजकल हर प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें, तो ऑनलाइन अडॉप्टेशन में दोस्तों टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी ना, तो कंप्यूटर स्किल्स यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं सिविल सर्वेंट्स के, ताकि चीज़ें और डिजिटली यहाँ पर हो सके। और वैसे भी हमारे पीएम का तो दोस्तों यही मोटिव है कि भारत को डिजिटल बनाया जाए, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विल असिस्ट सिविल सर्वेंट्स इन प्रोवाइडिंग लास्ट माइल सोशल वेलफेयर सर्विसेज फॉर द मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफेंस, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, एक्सपेंडिचर फाइनेंस, सोशल जस्टिस, सिविल एविएशन, पोर्ट शिपिंग, लेबर, सीबीसी परफॉर्म्स कैपेसिटी बिल्डिंग विद माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है ना दोस्तों, अगर आप डिजिटली बहुत ज़्यादा एडवांस रहते हो तो आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को, राइट। तो ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को लगा और फील हुआ कि उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पर करनी चाहिए, मतलब और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर करना चाहिए इन अ वर्ल्ड वाइड लेवल, ग्लोबल लेवल पर। तो यहाँ पर उसके लिए कंप्यूटर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात, द एब्सेंस ऑफ डिजिटल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन एबिलिटी इज रिक्वायर्ड विद डीलिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड अ सिग्निफिकेंट कॉम्पिटेंसी गैप अमंग सिविल सर्वेंट्स। देखो बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो दोस्तों जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, सब यूज़ करना नहीं आता है। और आप कुछ सोचो, जैसे अभी आपकी जो ये सेशंस चल रहे हैं सब पीपीटी के थ्रू चल रहे हैं, तो पहले वर्ड फाइल बनती है फिर उसकी पीपीटी बनती है, तो दोस्तों अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही नहीं आता, हमें माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी नहीं आता, तो हम कैसे काम कर सकते थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते थे, ठीक है। ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पर देखिए लास्ट पॉइंट पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम द एम इज टू स्ट्रेंथन द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया एंड इक्विप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद एसेंशियल डिजिटल स्किल्स, ताकि जो आज भी जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं दोस्तों, जो सर्विस पर्सन हैं, उन्हें यहाँ पर उनकी स्किल डेवलप कराई जाए, ताकि ये डिजिटल इंडिया के साथ आगे बढ़कर कदम से कदम चल सकें। क्योंकि डिजिटली अगर आप नहीं एडवांस हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहोगे ही। आज मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने कभी कहीं पर कैश पेमेंट करी हो, हमेशा यूपीआई, जीपे वगैरह यही सब चलता है। तो आपको तो जो कितना कन्वीनियंट हो गया, मतलब ना चोरी का डर ना कुछ कुछ नहीं। हालांकि हाँ माना मैंने डिजिटल इंडिया में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर आप प्रोक्योर करके चलोगे ना चीज़ों को तो कुछ एडवांटेज एडवांटेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप हमेशा सेकेंडरी एक अकाउंट रखिए अपना, जिसमें आप सारे कार्ड्स वगैरह यूपीआई सब उससे लिंक कर लीजिए, जो आपका प्राइमरी अकाउंट है उससे मत करिए। तो सेकेंडरी अकाउंट से आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर हर छोटे से छोटा वेंडर आज यूपीआई लेकर घूम रहा है, तो उसको भी आता है तभी तो वो कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ है, तो डिजिटल इंडिया है तो कुछ खराब नहीं है दोस्तों, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्चेस मोबाइल ऐप टू कर्ब जीएसटी इवेजन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है टू कर्ब द जीएसटी इवेजन। तमिलनाडु, केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी केरला। अभी चीज क्या है ये हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। द केरला गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च अ मोबाइल ऐप वेयर पीपल कैन अपलोड ओरिजिनल बिल्स एंड ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेस। द गवर्नमेंट ऑफ केरला एम्स टू कर्ब जीएसटी इवेजन विद दिस ऐप। द ऐप इज नेम्ड लकी बिल ऐप। नाउ आपका नाम जो है, आपका नेम जो है, वो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नाम क्या है, लकी बिल ऐप। एंड इट विल बी लॉन्च ऑन 16th of August 2022 बाय चीफ मिनिस्टर पिनारायी विजयन। तो इसको लॉन्च किया गया 16 अगस्त को, मतलब आज ही के दिन दोस्तों ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो एकदम ताज़ा खबर लेकर आई है अभिजन आपके लिए कि यहाँ पर 16 अगस्त के दिन दोस्तों क्या हो गया, लॉन्च हो गया ये ऐप किसके द्वारा, केरला गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। द स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स दिस विल हेल्प टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन एज पीपल विल बी एनकरेज टू आस्क फॉर बिल्स व्हाइल परचेजिंग गुड्स एंड अवेलिंग सर्विसेज। बहुत सी बार ऐसा होता है दोस्तों, हम कुछ चीज़ खरीदते हैं, हम बोल देते हैं नहीं चाहिए बिल, नहीं चाहिए कंज्यूमर कॉपी, नहीं चाहिए,
है ना। तो यहाँ पर अगर आप ये ऐप, मतलब ऐसी एक ऐप लेकर आए जहां पर कस्टमर्स खुद ओरिजिनल बिल यहाँ पर क्या करेगा, अपडेट करेगा, तो बिल मांगेगा तभी तो अपडेट करेगा ना। वैसी चीज, द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर न्यू वेज टू सपोर्ट द रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द स्टेट विद दिस ऐप। बेसिकली केरला गवर्नमेंट का एम क्या है इस ऐप के पीछे, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, या फिर जो लोग जीएसटी से भागते हैं उन्हें इस सर्कुलेशन में लाने का। द ऐप इज केपेबल इनफ टू हेल्प द स्टेट्स जीएसटी डिपार्टमेंट टू एग्जामिन रिटर्न्स फाइलिंग विद द हेल्प ऑफ अपलोडेड बिल्स। दिस इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज प्रपोज्ड व्हेन द कंपेंसेशन फ्रॉम द सेंटर कंसर्निंग गुड्स एंड सर्विसेज हैज सीज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर जो है के एन बालागोपाल, आपको पता होगा स्टेट का फाइनेंस भी एक रहता है, जैसे ऑल ओवर इंडिया तो निर्मला सीतारमन जी है ही, लेकिन स्टेट का भी रहता है। तो के एन गोपालन ने एलोकेट किए बजट में से 5 करोड़ रुपए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए, ताकि लकी बिल आपको क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके। तो ये पॉइंट भी आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें फंड आउटले की बात है। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए देखिए किस किस टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस की टर्म से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके लिए स्टेट न्यूज के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप WBCS का एग्जाम दे रहे हो, आप SSC का एग्जाम दे रहे हो, आप IBPS का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, आप LIC का एग्जाम दे रहे हो, आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, आप CPO का एग्जाम दे रहे हो, करंट अफेयर्स तो सब में आता है, तो फिर करंट अफेयर्स को आप पीछे नहीं छोड़ सकते दोस्तों। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए कहीं और भागने की जरूरत नहीं, आपको अंडर वन रूफ आपको सारी चीजें मिलेगी, भले ही वो अपडेटेड कंटेंट हो, MCQs हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश अक्रॉस द वर्ल्ड। दोस्तों जो लोग उल्टे हाथों से लिखते हैं, आपको पता है ना, जैसे लेफ्टी होते हैं कुछ राइटर्स है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर 90, मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ इज राइट हैंड पर्सन, जो अपना सीधा हाथ से लिखने खाने पीने में काम लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों 10% जो उल्टे हाथ से करते हैं, मतलब उनका जो प्राइमरी हाथ है वो उनका लेफ्ट हैंड चलता है ज्यादा। तो ये इस दिवस को मनाने के लिए कौन सा दिन चुना गया है उससे बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 13। हम पूरी बात यहाँ पर करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से उल्टे हाथ से इन्होंने पेन पकड़ा है। ठीक है, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 13th अक्रॉस द वर्ल्ड। द डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लेफ्टी पीपल एक्सपीरियंस विद लिविंग इन द राइट हैंड डोमिनेंट वर्ल्ड। राइट डोमिनेंट, मैंने बोला ना 90% ऑफ द पॉपुलेशन आर राइट हैंड पर्सन। तो अरे इसमें कुछ बुरा भी नहीं होता है, मतलब लाइक सम पीपल आर फील लाइक वेरी कूल कि हम उल्टे हाथ से लिखते हैं, चल इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स गॉड मेड थिंग। तो द डे इज ऑल्सो, द डे ऑल्सो स्प्रेड्स अवेयरनेस ऑन द इश्यूज फेस बाय द लेफ्ट हैंडर्स, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पेशल नीड्स ऑफ लेफ्ट हैंड चिल्ड्रन एंड द लाइफ लाइकलीहुड ऑफ द लेफ्ट हैंडर्स टू डेवलप शिजोफ्रेनिया। सो ये सारी चीजें, बट हालांकि ऐसा कुछ, मतलब नॉर्मल अगर मैं रियलिटी लाइफ में देखूँ तो लोग आर नॉट नॉट एट ऑल हैरेस्ड अबाउट दिस थिंग। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे वॉज लॉन्च्ड, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। इट वॉज लॉन्च एंड क्लब एज एनुअल इवेंट ऑन 13th ऑफ अगस्त 1992 फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर दे कैन सेलिब्रेट देयर यूनिकनेस एंड ऑल्सो इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ बींग लेफ्ट हैंडेड। राइट, तो यहाँ पर 1992 में पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया, और इस दिवस में ये चीजें यहाँ पर सामने देखने को आई कि किस इसकी क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। द इवेंट इज नाउ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड, इसे वर्ल्ड वाइड माना जाता है, और दोस्तों यहाँ पर लेफ्टी जोन्स के नाम से ही ज्यादा थोड़ा चलता है। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री का बात कर लिया आप लोगों से। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है, अब इसमें कोई थीम तो है नहीं, तो थीम पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो डायरेक्टली डेट पर क्वेश्चन बन जाएगा कि 13 अगस्त को कौन सा दिवस इसमें से मनाया जाता है, लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको बोल्ड हेडिंग पर से क्वेश्चन उठाकर दोस्तों दे सकता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते, ये तो नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए डाल दिया। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई न्यूज हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेस हमें जरूर क्लियर होना चाहिए कि हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से आया वो चीज। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिसेंटली रशिया हैज लॉन्च एन ईरानियन सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट फ्रॉम सदर्न कजाकिस्तान, वॉट इज द नेम ऑफ द ईरानियन सैटेलाइट? होप, बाबर, नूरी, खायम। ये द करेक्ट ऑप्शन विल बी खायम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग सोच रहे हो कि रशिया ने क्यों लॉन्च किया, ईरान क्यों नहीं लॉन्च किया, उसके पास पेलोड नहीं होगा ना दोस्तों, रॉकेट नहीं होगा ऐसा जो जाके ऑर्बिट पर छोड़ दे, जैसे हमारे पास है, इंडिया के पास है, PSLV है, अब तो SSLV भी बना रहे हैं, भले वो एक बार के लिए फेल हो गया लेकिन वापस बन रहा है D2,
इसके ऊपर भी पूरा वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो आराम से, है ना। तो यहाँ पर रशिया सक्सेसफुली लॉन्च ईरान सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट। अब हम पूरी बात करेंगे इसके बारे में। रशियन रॉकेट हैज सक्सेसफुली लॉन्च एन ईरानियन सैटेलाइट इन टू, और आपको पता है जैसे ईरान ने रशिया के लिए, मतलब रशिया ने ईरान की हेल्प की ना, तो उसके लिए जमकर फीस ली होगी, 400-500 करोड़ रुपए ले लेते हैं लोग ऐसे फीस के, कि हम हमारा रॉकेट भेज रहे हैं तो तुम हमको इसकी रॉयल्टी दो। तो रशियन रॉकेट हैज सक्सेसफुली लॉन्च द ईरानियन सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट फ्रॉम सदर्न कजाकिस्तान, एन ईरानियन सैटेलाइट नेम खायम इन टू ऑर्बिट बाय सोयूज रॉकेट फ्रॉम द रशियन लीज्ड बाय कॉनर लॉन्च फैसिलिटी इन कजाकिस्तान। तो कौन से रॉकेट के थ्रू भेजा, उस रॉकेट का नाम भी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली पर्शियन साइंटिस्ट हु लिव्ड इन द 11th एंड 12th सेंचुरीज, द सैटेलाइट फिटेड विद हाई रेजोल्यूशन कैमरा विल बी यूज्ड फॉर द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड विल रिमेन फुल्ली अंडर इट्स कंट्रोल, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ईरान का ये ऑपरेशन है, रशिया ने जस्ट ऑर्बिट पर जाकर छोड़ दिया रॉकेट ने, अब ईरान के अंडर ये पूरा मॉनिटरिंग यहाँ पर रहेगी, ठीक है, कि वो कहाँ जाकर क्या कर रहा है, क्या इन लोगों का रिसर्च है, क्या जो भी डेटा वो प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीजें। तो ईरान सेज द सैटेलाइट इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग रेडिएशन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ईरान स्पेस एजेंसी हैज रिसीव द फर्स्ट टेलीमेट्री डेटा सेंट फ्रॉम द सैटेलाइट। ईरान हैज सेड द सैटेलाइट फिटेड विद द हाई रेजोल्यूशन कैमरा विल बी यूज्ड फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड विल रिमेन फुल्ली अंडर इट्स कंट्रोल। पूरी तरीके से ये ईरान के कंट्रोल में यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इफ इट्स ऑपरेट सक्सेसफुली द सैटेलाइट विल गिव ईरान द एबिलिटी टू मॉनिटर द आर्च एनिमी इजराइल एंड अदर कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट। तो अगर सक्सेसफुल रहता है ये प्लान, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर रहेगी, देखने को मिलेगा। दोस्तों वक्त बताएगा, रिजल्ट्स आएंगे जब हमें पता चलेगा कि ये सारी चीजें कैसे वर्कआउट करेगी एंड ऑफ द डे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंडियन एयरफोर्स IAF कॉन्टिजेंट लेफ्ट फॉर डैश टू पार्टिसिपेट इन अ 4-day बायलेटरल एक्सरसाइज उधार शक्ति, नेपाल, श्रीलंका, जापान, मलेशिया। करेक्ट विल बी और मलेशिया। देखिए इंडियन एयरफोर्स लेफ्ट फॉर मलेशिया टू पार्टिसिपेट इन 4-day बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति विद द रॉयल मलेशियन एयरक्राफ्ट। द एक्सरसाइज विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द IAF कॉन्टिजेंट मेंबर्स टू शेयर एंड लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस विद सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल फ्रॉम द RMAF, दैट ठीक है, व्हाइल डिस्कसिंग म्यूचुअल कॉम्पैक्ट केपेबिलिटीज। देखो मैंने आपको पहले भी बोला है, बायलेटरल एक्सरसाइजेज जो होती है, कभी मरीन की कभी एयर की, ये सब दोस्तों कंट्रीज टू कंट्रीज अपना हारमोनी, पीस, रिलेशनशिप, ये सब डेवलप करने के लिए होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हम उनसे सीख सके, कुछ ऐसे स्किल्स हम उन लोगों से सीख सके इसलिए होती है, कुछ ऐसी स्किल्स हम उन्हें सिखा सके इसलिए होती है। एडवाइजेस जो होती है या व्यूज जो होते हैं, वर्ल्ड व्यूज होते हैं, वो एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, बेसिकली ये है, मतलब वन कंट्री टू अदर कंट्री। द एक्सरसाइज विल विटनेस वेरियस एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स बिटवीन द टू एयरफोर्सेज, द IAF सेड, एडिंग दैट इट वुड फोर्टिफाई द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड इंश्योर्स और एनहेंस द एडवांसेस ऑफ एवेन्यूज ऑफ डिफेंस कॉरपोरेशन बिटवीन टू एयरफोर्स, देयर बाय ऑग्यूमेंटिंग सिक्योरिटी इन द रीजन। मैंने आपको बोला ना दोस्तों, बेसिकली फ्रेंडशिप को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए चीज़ें होती है, रिलेशनशिप को और ज़्यादा मतलब पॉलिश किया जाए उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें। तो जब भी कोई एक्सरसाइज की बात आए ना, तो आप यही ध्यान रखना कि दो कंट्रीज आपस में अपने व्यूज को शेयर करती हैं, ठीक है। फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स SU-30 MKI C-17 एयरक्राफ्ट विल बी पार्टिसिपेटिंग विद द RMAF विल बी फ्लाइंग Su-30 MKM एयरक्राफ्ट, राइट। तो इंडिया से कौन कौन से एयरक्राफ्ट जा रहे हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, उदार शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, रिटेल इन्फ्लेशन सॉफ्टन टू डैश परसेंटेज इन द जुलाई ड्यू टू मॉडरेशन इन द फूड प्राइसेस बट रिमेंड अबव द रिजर्व बैंक कम्फर्ट लेवल। करेक्ट विल बी और 6.71%। तो दोस्तों यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.71% पर आया है जुलाई के महीने में, कहना है। देखिए दो टाइप के होते हैं, होलसेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन। तो रिटेल इन्फ्लेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो पूरा हम बात यहाँ पर पढ़ेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन सॉफ्टन टू 6.71% इन जुलाई ड्यू टू मॉडरेशन ऑफ फूड प्राइजेस बट रिमेन अबव द रिजर्व बैंक कम्फर्ट लेवल ऑफ 6%। देखो क्या होता है, इन्फ्लेशन का जो बैंड है वो 2-6% का होता है। कितने परसेंट का? 2-6% का।
तो अभी भी तो 6% के प्लस ही है ये। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी भी बोलता है कि महंगाई है मार्केट में, क्योंकि आपको अभी भी पता होगा रेपो रेट फिर बढ़ाई गई है। रेपो रेट आज के टाइम पे 5% प्लस हो चुकी है, ठीक है। पहले उसने 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाई थी, फिर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाई थी, और अभी वापस से 40-50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। तो 5% प्लस यहाँ पर रेपो रेट चल रहा है आज के टाइम पर। और जो बैंड है हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन का, वो 2-6% है, और अभी भी रिटेल इन्फ्लेशन 6.71% चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई के अभी भी कंफर्ट लेवल के बाहर ही चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसका क्या और होगा, और रेपो रेट और बढ़ाई जाएगी कि नहीं, क्या चीज़ें यहाँ पर आरबीआई क्या डिसीजन लेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और जो भी चीज़ें या फिर कोई भी डिसीजन यहाँ पर आता है, तो वो आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू दोस्तों क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। विद रिटेल इन्फ्लेशन कंटिन्यूइंग टू रिमेन हाई डिस्पाइट अ फॉल इन प्राइस इन वेजिटेबल्स एंड एडिबल ऑयल अमंग अदर कमोडिटीज इन जुलाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माइट गो फॉर अनदर रेट हाइक इन सेप्टेम्बर, राइट। हो सकता है सेप्टेम्बर में और हो जाए। और ये सारे डेटा रिलीज किए जाते हैं एनएसओ के द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बना था कि जितने भी ये इन्फ्लेशन के हो गए या पॉपुलेशन के हो गए, सारे डेटा कलेक्ट करता है कौन, नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिसर। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना भाई, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि ये सारे डेटा कलेक्ट कौन करता है, तो ये कलेक्ट करता है एनएसओ। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इन द ईयर 2022 वर्ल्ड संस्कृत डे और वर्ल्ड संस्कृत दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 12th of August। तो दोस्तों मैं बात बता दूँ आप लोगों को, वर्ल्ड संस्कृत डे या संस्कृत दिवस बोल लो, बेसिकली ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इस बार पूर्णिमा कब पड़ी थी भाई, 12 अगस्त को, जिस दिन राखी भी थी ना। कोई कोई लोगों ने 11 अगस्त की भी बनाई राखी, कोई कोई 12 ने भी बनाई, तो 12 अगस्त की यहाँ पर बोला जाता है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस एंड द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। संस्कृत इज बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड इन इंडिया अराउंड 3500 ईयर्स अगो, एंड द फर्स्ट वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व इन 1969। संस्कृत इज डिवाइडेड इन टू टी पीरियड, दैट इज वैदिक, एंड वैदिक संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ ऋग वेदा, उपनिषद एंड पुराण्स। द वेदास वर कम्पोज डाउन 1500 BCE। सबसे पुरानी लैंग्वेज है दोस्तों संस्कृत, और संस्कृत से बाकी अदर लैंग्वेज निकली है। भले ही तुम बोल लो बंगाली, भले ही तुम बोल लो मराठी, भले ही तुम बोल लो हिंदी, भले ही तुम बोल लो देवनागरी, कोई सी भी लैंग्वेज बोल लो, सब संस्कृत से ही निकली है, ठीक है। यूरोपियंस वर हाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत लैंग्वेज। सर विलियम जोन्स वॉज एन इंग्लिश स्कॉलर, वॉज विजिटेड इंडिया इन 1783 एज जज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट इन कैलकटा। ही लेटर फाउंडेड एसीएस्टिक सोसाइटी, राइट। तो संस्कृत ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड, एंड दिस डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टू पे रिस्पेक्ट टू दिस लैंग्वेज। ऑन दिस डे वेरियस इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज टू प्रमोट अप्रिशिएट दिस लैंग्वेज। भगवान की भाषा बोला जाता है संस्कृत लैंग्वेज को। आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ होते हैं ना, अगर मैं विष्णु पुराण की भी बात करूँ, हालांकि इसके हिंदी स्रोत भी निकल गए हैं, हिंदी जो ट्रांसलेशन होते हैं वो भी आ गए, इंग्लिश भी आ गए, बट जो एकदम आप बोलोगे ना एकदम पहला कॉपी जो रामायण भी लिखी हुई थी, महाभारत भी लिखी हुई थी, सब ने संस्कृत में लिखी थी। अब उसको किसी किसी ने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, बंगाली में कर दिया, उसको बाद में हो गई सारी चीज़ें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखी हुई हमेशा संस्कृत में ही गई है। तो संस्कृत को दोस्तों सबसे पहली और पुरानी लैंग्वेज यहाँ पर माना जाता है। और ये ध्यान रखना कि हर साल जो पूर्णिमा आती है ना दोस्तों, सावन की पूर्णिमा, जो सावन खत्म होता है, ठीक है, श्रावण खत्म होने के बाद पूर्णिमा आती है ना, श्रावण की पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, जिस दिन राखी होती है मोस्टली, उस दिन ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्माइल 75 इनिशिएटिव। नाउ द करेक्ट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए पहले तो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको बनाती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग अंडर स्माइल। स्माइल क्या है, फुल फॉर्म, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज नेम्ड स्माइल 75 इनिशिएटिव। अब स्माइल बोल के हंसी नहीं है ये, बता दूँ तुम्हें, यहाँ पर स्माइल निमोनिक है जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकग्नाइज द परसिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ द destitution of the beggary and the formulated a comprehensive scheme of smile which includes a sub scheme of comprehensive rehabilitation for persons engaged in begging that covers identification rehabilitation provision of medical facilities counseling education skill development for a decent job of self employment or entrepreneurship। dosto simple bhasha mein yahan par
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 75 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस। यहाँ पर बेसिकली जितने भी लोग हैं जो जॉब चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनकी हेल्प करेंगे। अब 75 क्यों, तो ये हम मैं अब तुम्हें नहीं बताने की जरूरत है। 75 मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम बना चुके हैं, अब 76वें में चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन डैश, करेक्ट विल बी योर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 हुआ था, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया। इसके पहले हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। फेज वन ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग इज शेड्यूल्ड फ्रॉम ऑगस्ट 16 to 23, वेयर अ टोटल ऑफ 16 टीम्स अक्रॉस द कंट्री आर पार्टिसिपेटिंग। A total of 56 matches will be played in first phase and over 300 players will compete, right? The Sports Authority of India has allocated 53.72 lakhs of three phases of the competition, which includes prize money of ₹15.5 lakh. Phase 1 and 2 of Khelo India Women's Hockey League will be a round robin format. इन द राउंड रॉबिन फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट का नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट फॉर्मेट का जो नाम है ना वो तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के माध्यम पर क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे तो आप लोगों का जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है दोस्तों उस पर भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ऊपर भी हम आप लोगों को एक पूरी डिस्क्रिप्टिव कोलैबोरेटिव वीडियो अब जरूर लेकर आएंगे बहुत ही जल्द, तो तब आप लोगों को पूरी यहाँ पर हम उसके बारे में न्यूज़ देंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि फीमेल पार्टिसिपेशन आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी जा रही है फीमेल पार्टिसिपेशन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें और मतलब अपने टैलेंट को बाहर लेकर आए, मतलब उभार के दिखाएं लोगों को कि हाँ दे आर ऑल्सो केपेबल इनफ ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक इन द फील्ड ऑफ जॉब स्पोर्ट्स, कुछ भी हो लड़कियां नहीं पीछे अब नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2022, करेक्ट विल बी योर Let's pledge to donate organs and save lives, right? Let's pledge to donate organs and save lives. देखिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पर तो थीम आपको मिली है 2022 की, वो आप लोगों के लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स, राइट। बेसिकली इस दिन को मनाया क्यों जाता है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डोनेटिंग ऑर्गन्स। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डीबंकिंग वेरियस मिसकंसेप्शंस अबाउट डोनेटिंग ऑर्गन्स। डोनेटिंग ऑर्गन्स इज ऑफ द डिजीज लाइक किडनी, हार्ट, पैनक्रियाज, आइज, लंग्स, कैन हेल्प टू सेव लाइफ ऑफ दोज हु आर फेसिंग क्रॉनिक इलनेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बेसिकली क्या होता है, बहुत बार आपने से सुना होगा कि मैंने अपने कुछ ऑर्गन्स को प्लेज कर रखा है। प्लेज कर रखा है मतलब एक एग्जांपल है, मान लो मैंने आंखें प्लेज कर रखी, हार्ट प्लेज कर रखा है, तो जब मेरा निधिहांत जाता है ना तो उसके कुछ टाइम तक वो काम करते हैं, मतलब देयर आर समथिंग साइंस इन दिस कि हाँ वो कुछ टाइम तक रहता है कि वो दूसरे काम आ जाएगा। तो जब आपकी डेथ हो जाती है ना तो फिर डॉक्टर उस ऑर्गन को निकाल कर दूसरे में लगा देता है, तो आप किसी और को जीवन दान दे सकते हो, नेत्र दान कर सकते हो, हृदय दान कर सकते हो, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। हालांकि जिनको HIV है, कैंसर है, वो लोग हार्ट डिजीज है वो लोग कोई ऑर्गन्स को डोनेट नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर भी कुछ टेक्नालिटीज है कि आपको अपनी लाइफ में स्वस्थ होना पड़ेगा ऑर्गन डोनेट करने के लिए। आप भले पता है पर आप पर मतलब आपका लीवर खराब रखा है, आप डायबिटिक हो, हार्ट पेशेंट हो, बीपी कंट्रोल नहीं रहता, तो आप ऑर्गन नहीं दे सकते भाई, क्योंकि आपके खुद के ऑर्गन सही नहीं है, तो आप दूसरे को डोनेट क्या करोगे, वो क्या बेचारा जिएगा आपके ऑर्गन से। तो ये सारी चीज़ें, तो ऑर्गन डोनेशन होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग प्लेज करते भी हैं दोस्तों कि आप जब मैं मर जाऊँ मेरी आँखें निकाल देना, ये मतलब दे देना, किसी को दान कर देना, बट यू शुड बी स्वस्थ, यू शुड बी वेरी हेल्दी फॉर दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो इस दिवस को 13 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 2022 की थीम मैंने आपको साथ शेयर कर दी यहाँ पर। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोज में डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो कि एग्जाम एस्पिरेंट्स है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या दोस्तों,
वहां पर आपको इजीली पीडीएफ और लिंक मिल जाएगी, तो है ना अपडेटेड रहोगे आप सारी चीजों से, राइट। तो ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।